दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो edistrict.delhi.government का पोर्टल है दोस्तों, उस पर अगर आप लोगों ने अपनी आईडी बनाई थी, यूज़र आईडी, और आप लोग उसको भूल चुके हैं, तो आप लोग अपना आईडी को कैसे पता करेंगे। या फिर दोस्तों, अगर आप लोग अपने उस आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं या पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों, चलिए आप लोगों को इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखिए रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पर आपको हम क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरह का एक पेज खुलेगा। हमें यहाँ पर फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, मैंने ये किया दोस्तों, ठीक है। हमारे सामने कुछ इस तरह का ये पेज खुल के आ गया है, हमें इसको फिल करना होगा। दोस्तों, मैं देखिए यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको चूज़ करना होगा नो। यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ यस क्लिक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ये नो पर क्लिक कर देना है, मैंने नो पर क्लिक किया। अब दोस्तों, यहाँ पर अगली बारी है डॉक्यूमेंट की। आपने जिस डॉक्यूमेंट से भी अपने आईडी बनाई है, आप उस आईडी उस डॉक्यूमेंट से बना सकते हैं। वो आपका हो सकता है आधार कार्ड, हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट, हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन आईडी बनती है ना दोस्तों, तो या तो वो आधार कार्ड से बनाई गई होगी या फिर वोटर आईडी कार्ड से। अगर वो भी आपको याद ना आए, तो आप दोनों को एक बार ट्राई कर लीजिएगा जो तरीका बता रहा हूँ। मैंने फ़िलहाल अपने आधार कार्ड से बनाई थी, तो मैं आधार कार्ड से बता देता हूँ। यहाँ आपको आधार कार्ड पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों, यहाँ आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। अगर आप लोगों को इस तीसरी जगह, अगर आप लोगों ने वोटर आईडी कार्ड से बनाया, तो वोटर आईडी का कार्ड का नंबर डालेंगे, वरना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आधार कार्ड का नंबर डाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर डाल लिया। दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, अब देखो आप ये तीसरी जगह दिखा देता हूँ आपको। ये तीसरे में दिखाना है, जो आपका आधार कार्ड पे जैसी स्पेलिंग है नाम की, वही सेम स्पेलिंग यहाँ डालनी होगी। दोस्तों, यहाँ मैं डाल देता हूँ। दोस्तों, ये देखो, यहाँ पर मैंने नंबर में थोड़ी गलती कर दी होगी, इसलिए यहाँ पर इनवैलिड बता रहा है। यहाँ पर आपको बता दिया मैंने आधार कार्ड का नंबर डालना है। देखिए, यहाँ पर आपको नाम डालना है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आपने अपना नाम डाल लिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ तीसरी जगह, यहाँ पर अपना इस जगह आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं यहाँ ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लिया। दोस्तों, यहाँ आपको जेंडर चूज़ करना है, और यहाँ पर आपको दोस्तों उसका मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, वो आपको दर्ज करना होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ, अगर आप लोगों को मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं मालूम है, तो आप लोग पहले तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदेशा है, तो आप 3-4 बार ट्राई कर सकते हो उस पर अपने अलग अलग मोबाइल नंबर डाल के। अन्यथा आपको क्या करना होगा, अपने नियर बाय SDM ऑफिस जाके इस ID को रिफ्रेश और सही से इसको वापस कराना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर वो आपको ठीक करके दे देंगे, रिफ्रेश करा देंगे, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों, अब देखिए यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिया है, और यहाँ पर आप, अगर आपको ईमेल आईडी पता है, तो आप ईमेल आईडी डालिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों, मेरे को क्या करना है, यहाँ पर अब ये सेम टू सेम कैप्चा कोड डाल देना है। यहाँ मैं वो कैप्चा कोड डाल दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब कैप्चर कोड डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये सीधे हमें इस गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जब मैं इस पे क्लिक कर लूँगा, तो दोस्तों देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने ये लिख कर आ गया है। दोस्तों, आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। देखिए दोस्तों, जो मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर मेरे पास एक मैसेज आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन करके, ठीक है। ये आईडी बन के आ गई है दोस्तों, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। ये देखो, एक बार आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैंने बैक किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस पर होम पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ आए, अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, वापस यूज़र आईडी लॉगिन पर आना होगा। यूज़र आईडी लॉगिन पर आए, यहाँ पर दोस्तों अब हमें यही आईडी डालनी है। देखो, 10 34 68,
ठीक है दोस्तों। और यहाँ ही पर एक पासवर्ड भी भेजा गया है, इस पासवर्ड को भी सेम वैसे ही डालना है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब ये देखो एक बार यहाँ पर हमें ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड दोस्तों सही डालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली मुझे ये लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का एक पेज खुल के आता है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, ये जो फॉर्म खुल के आता है ना दोस्तों, फोरम फॉर चेंज पासवर्ड, तो दोस्तों इस लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करना होता है। अगर आप लोगों का जो ओल्ड पासवर्ड आप लोगों को पता है तो आप वो डाल दीजिए, बाकी अगर आप लोग जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उस तरह से आपने किया है तो आपको जो ये एक पासवर्ड मिला हुआ है ना, इसी पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। मैं वही पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये पासवर्ड मैं यहाँ डाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ये पुराना पासवर्ड अपना डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना नया पासवर्ड डालना है, वो नया पासवर्ड देखिए मैं आपको बता दूँ आपको कैसे डालना होता है। आप देखिए अपना नया पासवर्ड जो सॉलिड पासवर्ड होता है उसमें क्या करते हैं आप लोग, या तो 500, 500, 500, 600 ऐसे करके नंबर डालते हैं। नंबर नहीं डालना है दोस्तों, आप क्या करेंगे अपने नाम का आखिरी के या शुरुआत के चार अक्षरों को किस तरह डालेंगे। देखिए जैसे मैंने क्या किया, कैपिटल में शुरू के नाम डाला बी आई, और फिर इसको स्मॉल में डाल दिया बी आई, और यहाँ पर आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। मैंने चूज़ कर लिया 11। 11 चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डाल दीजिए स्टार हैज़, ठीक है। सेम यही आप इस जगह भी डालिए बी आई, बी आई, फिर नंबर 11 और फिर स्टार हैज़, ठीक है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, सिंपली ये देखिए आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। जैसा आप लोगों को प्रॉब्लम आती थी वैसा प्रॉब्लम अब नहीं आएगी दोस्तों अगर इस तरह आप लोग करेंगे। ये देखिए मैं चेंज पासवर्ड पर डाल देता हूँ और यहाँ देख के देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपली हो गया है कि यू आर सक्सेसफुली चेंज्ड योर, यू हैव सक्सेसफुली चेंज्ड योर पासवर्ड एट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली हमको लॉग इन कर देना है, वरना आपको होम पर आना है। होम पर आने के बाद फिर आपको वापस यहाँ पर आना है यूज़र आईडी पर, यूज़र लॉगिन पर। अब यहाँ पर वही आपको अपनी आईडी डालनी है। यहाँ पर ये दोस्तों मैं अपनी आईडी डाल दे रहा हूँ, और अब जो दोस्तों आपने नया पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको डाल देना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब यहाँ पर हमें कैप्चा कोड डालना होगा और यह लॉगिन पर सिंपली क्लिक करना होगा। यहाँ मैं कैप्चा कोड डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होगे ये देखो लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक किया और ये देख लो दोस्तों मेरे सामने मेरी आईडी खुल गई है, ठीक है। आईडी खुल चुकी है दोस्तों मेरी, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी तरह दोस्तों आप लोगों को अपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की जो यूज़र आईडी है उसको रिकवर करना है, या और अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप लोग इस तरह चेंज कर सकते हैं, जो आपको लास्ट वाला फॉर्म दिखाया था कि किस तरह आप लोगों को पासवर्ड चेंज करना है। दोस्तों आप लोग उसी तरह करिएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत आती है पासवर्ड बनाने में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ हम न्यू यूट्यूबर्स हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए और हमें सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी और अच्छे तरीके से मिल जाए। हम आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू।